खरमास शुरू होने वाला है 16 तारीख से, 16 दिसंबर 2023 को खरमास शुरू होगा। सवाल है कि खरमास है क्या? खर का मतलब होता है गधा, और कथा में ऐसा है कि भगवान सूर्य जो है 11 महीने तक घोड़े पर सवार रहते हैं, 7 घोड़े पर उनके रथ में लगते हैं, लेकिन खर मास के समय उनके रथ में गधे लग जाते हैं, इसलिए खर मास कहा जाता है। तो खर मास के समय में क्या होता है, रात बड़ी होती है और दिन छोटा हो जाता है, भगवान धीरे धीरे चलते हैं, इसलिए इसका नाम खर मास है। कथा लंबी है कि भगवान सूर्य के घोड़े थक चुके थे, वो आराम चाहते थे, लेकिन भगवान सूर्य ने कहा कि अगर तुम लोग आराम चाहते हो लेकिन मैं तो नहीं रुक सकता, मुझे तो चलना पड़ेगा। तो उनके घोड़े रुक गए और घोड़े की जगह पर गधों को लगाया गया, गधे धीरे धीरे चलते हैं। तो यह धीरे धीरे जो चलते हैं इसलिए इसका नाम खर मास है। और खर मास शुरू कब होता है? भगवान सूर्य जब धनु राशि पर पहुंचते हैं तो खर मास शुरू होता है। और धनु कौन है? धनु तीर धनुष जो राशि है उसे धनु राशि कहते हैं, और धनु राशि का जो ग्रह है वह बृहस्पति है। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, ठीक, देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। तो बृहस्पति भगवान सूर्य के भी गुरु हैं। तो जब धनु राशि पर जब भगवान सूर्य रहते हैं तो अपने गुरु के घर में रहते हैं। अपने जब गुरु के घर में रहते हैं तो वहां वो मंद रहते हैं, क्योंकि गुरु की सेवा में लग जाते हैं। तो जब गुरु की सेवा में लग जाते हैं तो इसलिए वह गुरु की सेवा कर पाए, इसलिए संसार में मांगलिक कार्य बंद रहते हैं। तो धनु राशि से लेकर के मकर राशि तक जो वास होता है भगवान सूर्य का, वो गुरु जी की सेवा में रहते हैं। और जब मकर राशि पर पहुंच शांति होती है तब से फिर शुभ समय माना जाता है। तो ये जो खर मास है 16 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी 2024 तक, यह खर मास है। इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस पर हम विचार करते हैं। तो क्या करना चाहिए इस समय? जप करना चाहिए। जब खर मास में जप करने का बहुत बड़ा फल है। जप का फल तो सब दिन होता है लेकिन खर मास में और महत्वपूर्ण हो जाता है। सुबह उठ करके भगवान सूर्य को अर्घ दे करके, भगवान को प्रणाम करके मंत्र का जाप करते हैं। और जो लोग, जो इन लोगों को अपनी पढ़ाई में बाधा है या बच्चे ठीक से नहीं पढ़ पा रहे, इस खर मास महीने में उनको सुबह उठने की आदत डालिए, उनको उठाइए। और जब वो उठेंगे तो स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को अर्घ चढ़ाइए, जिसे हम सूरीनाम हालैंड में धार कहते हैं, अर्घ चढ़ाइए और सूर्य भगवान के मंत्र का जाप करिए, बुद्धि तेज होगी, जरूर उठाइए। अगर आपके बच्चों के विद्या में बाधा है, पढ़ाई में बाधा है, तो जरूर यह करिए। अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस समय यह कार्य जरूर करिए। दूसरा है दान। दान करने का बड़ा महत्व है, दान देना चाहिए इस खर मास के समय। सूर्य भगवान के निमित्त उससे धन की प्राप्ति होगी, विद्या की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होती होगी। और खर मास के समय में एक बार कोशिश करिए कि आप मंदिर जाइए, तीर्थ यात्रा करिए। बहुत पुण्य का समय है, आप तीर्थ यात्रा करिए। इतना चीज तो करना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए? मांगलिक कार्य नहीं होते। मांगलिक कार्य क्या है? जैसे विवाह नहीं करना चाहिए। विवाह करने से, खर मास में विवाह करने से दाम्पत्य जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं। तो खर मास में विवाह नहीं होते, सगाई नहीं होती। सगाई नहीं होती मतलब तिलक भी नहीं होता, तिलक देना, छकाई करना और विवाह करना, ये मांगलिक कार्य इस समय नहीं होते। अगर नया घर है, न तो नया घर बनाते हैं, न तो नए घर में प्रवेश करते हैं। गृह प्रवेश भी खर मास में नहीं होता। जनेऊ नहीं होता, मुंडन नहीं होता, मतलब 16 तारीख के बाद
मुंडन संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार जाएंगे 15 जनवरी तक, ये शुभ समय नहीं है। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए अगर घर में कोई मांगलिक कार्य करना चाहते हैं तो अभी 15 तारीख तक आपके लिए मौका है, आप कर सकते हैं। 15 तारीख के बाद 16 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक शुभ कार्य नहीं करते, तीर्थ यात्रा करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, दान करते हैं और ब्राह्मण भोजन कराते हैं, देव मूर्तियों का दर्शन करते हैं, मंदिर जाते हैं, जिससे पुण्य की प्राप्ति हो। तो आप सब ये सब करिए इस समय, और बहुत अच्छा होगा कि आप मंदिर जाइए और अपने बच्चों को सिखाइए सुबह प्रातः काल जल्दी उठने का। हम बड़ा कोशिश करते हैं, हाँ बच्चा सो रहा है, सोने देते हैं, नहीं जगाते, नहीं नहीं ऐसा न करिए। बच्चे को ब्रह्म मुहूर्त में जगाइए, और ब्रह्म मुहूर्त में जगा करके उनको थोड़ी स्नान करने के बाद थोड़ी साधना सिखाइए, जप सिखाइए, मंत्र जाप सिखाइए, थोड़ा धार चढ़ाना सिखाइए। देखिए सूर्य नाम में ये सब होता था, लोग बच्चे को देर तक सोने नहीं देते थे, उठा करके सूरज भगवान को धार चढ़वाते थे, अर्घ दिलाते थे, जिससे उनकी बुद्धि तेज होती थी और बड़े सुखी रहते थे वहाँ। यह जब से आया कि बच्चा, हाँ बहुत सुबह है, ठंडी है, बच्चे को सोने दो, उससे बड़ा गड़बड़ हो गया। बच्चे मैं कहूँ सीधे सीधे तो मंद बुद्धि को होने लगे, इसलिए प्रातः काल उठाइए बच्चों को और उनको जो है स्नान के बाद भगवान सूर्य को इस खर मास में जल चढ़वाइए, धार चढ़वाइए, सूर्य भगवान की थोड़ी प्रार्थना सिखाइए, मंत्रों का जाप सिखाइए, बच्चे को एक दिन मंदिर ले जाइए। आप तो कहेंगे बच्चे मंदिर जाते नहीं हैं, बच्चे आपके साथ सब जगह न्योता में जाते हैं तो मंदिर क्यों नहीं जाते, आप खुद सवाल कर सकते हैं ना। हम मन में कमजोर न बने, बच्चों को मंदिर ले जाएं, मंत्र जाप सिखाएं और देव मूर्तियों का दर्शन कराएं, उनके हाथ से दान देने की आदत डालें और आपका जीवन सुखी रहेगा। मंगल हो आप सबका और शुभ हो।